हिंदी में 33 ला लिए तो हिंदी में पास हो गए, इंग्लिश में 33 ला लिए तो पास हो गए, मैथ में 33 ला लिए तो पास हो गए। माई सेल्फ दिनेश यादव, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स कि बोर्ड एग्जाम पासिंग क्राइटेरिया क्या है, दसवीं और बारहवीं में पास होने के लिए कितना नंबर यानी कि प्रतिशत लाना चाहिए तब पास हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है, क्लास टेंथ में पढ़ रहे हैं या क्लास ट्वेल्थ में, तो दोनों के लिए यहाँ पर बताएंगे कि कितना कितना नंबर हर एक सब्जेक्ट में लाएंगे तो पास हो जाएंगे। अगर एक सब्जेक्ट में अधिक ला लेते हैं और दूसरा में कम लाते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है बिगड़ जाएगा और फेल भी हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप पासिंग नंबर ही नहीं, आप अधिक से अधिक टॉप पर नंबर लाइए, 90% तक नंबर लाइए। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखिए और समझ लीजिए कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, एक सब्जेक्ट में कितने नंबर लाना चाहिए तो पास हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रेड कलर बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मोटिवेशनल ट्रिक वाली वीडियो सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज जो भी वीडियो बनाता हूँ उसको मिलता रहे लिंक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखते रहना और समझ लेना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए फ्रेंड्स, आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको अनुभव हो जाएगा कि कितने नंबर हमें हर एक सब्जेक्ट में लाना चाहिए तो पास होंगे, अगर इससे कम लाते हैं तो फेल हो जाएंगे। तो आपके पास ये थोड़ा सा मतलब कि गर्व होगा कि मुझे इतना नंबर लाना है तो पास हो जाएंगे। पासिंग नंबर ही नहीं, आपको मैंने बता दिया कि टॉपर नंबर लाना है, टॉप करना है। तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहना। सबसे पहले बात करेंगे 10 वालों के लिए और 12 वालों के लिए, दोनों के बारे में बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 10 में अगर पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिकल सब कुछ बताएंगे इसमें, कि इस सब्जेक्ट में कितना नंबर मिलता है और प्रैक्टिकल में कितना नंबर मिलता है, इसको परसेंटेज में चेंज करके सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 वालों के लिए बताएंगे। 10 वालों के लिए हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथ होता है, संस्कृत होता है, एसएसटी होती है यानी कि सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, और लास्ट में संस्कृत होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये साइंस है, ठीक है ना, साइंस, एसएसटी, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, जबकि इसमें 6 प्रैक्टिकल भी होता है। 10 वालों का जितने सब्जेक्ट होता है उसमें प्रैक्टिकल उतना ही होता है, ठीक है, 6 प्रैक्टिकल भी होगा 6 सब्जेक्ट का, ठीक है। जबकि 12 वालों को बता रहा हूं यहाँ पे, तो 12 वालों का सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। देखिए, तो अगर 12 वाले हैं तो हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, मैथ होगा, मैथ की जगह पे बायो भी होता है, अगर बायो से होंगे तो बायो हो जाएगा, मैथ नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं मैथ को लेकर बता रहा हूँ, मैथ होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, इसके लिए भी मतलब प्रैक्टिकल होता है। तो देखिए, इसमें हिंदी का प्रैक्टिकल नहीं होता है और इंग्लिश का नहीं होता है, मैथ का भी नहीं होता है, बट फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, दो चीज का इसमें प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। इसको मैं अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से देखिए। पहले 10 वालों को मैं बता देता हूं, जैसे कि ये हो गया हमारा हिंदी, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना, हिंदी, इंग्लिश, पहले इसको लिख लेता हूं, ठीक है, फिर इसको हम लोग करेंगे। इसके बाद एसएसटी यानी कि यहां साइंस लिख ले, ये हमारा हो गया साइंस, एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान, या संस्कृत फुल लिखा ही हूं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हर एक चूज ये मतलब कि जो जितने भी ये सब्जेक्ट आप देख रहे हैं क्लास टेंथ वालों का, ये सभी 70 नंबर का होता है, यानी कि जो जितने भी पेपर होते हैं ये थ्योरी वाले, ये 70 नंबर का होता है आपका क्लास टेंथ वालों का, ठीक है ना। तो 70 नंबर का ये थ्योरी का पेपर बनता है, जो कि 70 नंबर सबका होता है, ध्यान से आप देखते रहना है ना, आपको अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है। 70 नंबर सबका हो गया। अब देखिए, इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर और 30 नंबर। तो ये हमारा 70 नंबर का थ्योरेटिकल हो गया पेपर वाला, और प्रैक्टिकल जो होता है 30 नंबर का 10 वालों का, ठीक है। इसमें कितने नंबर लाना होगा तो ये सब बताएंगे पहले। अब 12 वालों को देख लीजिए, तो हिंदी होता है 12 वालों का, ये हमारा इसमें 100 नंबर का टोटल हो जाता है, ठीक है, 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है। और इंग्लिश जो होता है ना, इंग्लिश, तो इंग्लिश भी हमारा ये 12th वालों का 100 नंबर का ही होता है, ठीक है। और मैथ जो होता है, तो ये हमारा मैथ जो होता है ये भी 100 नंबर का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये टोटल आप देख रहे हैं ना, 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि फुल नंबर का होता है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब देखिए, फिजिक्स, फिजिक्स जो हमारा है ना,
तो इसमें फिजिक्स में आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, ये 300 से 100 नंबर का हो गया, जबकि फिजिक्स है ना, फिजिक्स इसमें 70 नंबर का केवल पेपर होता है फ्रेंड्स, है ना। तो ये पेपर 70 नंबर का होगा और इसमें प्रैक्टिकल जो होता है 30 नंबर का होता है, ठीक है। पहले होता था ये 35 नंबर का एक पेपर, 35 नंबर का एक पेपर, तो फिजिक्स का केवल पेपर 1 पेपर 2 होता था, बट 2019 से चेंज करके दोनों पेपर को एक ही में कर दिया, ठीक है। तो ये 70 नंबर का हो गया और प्रैक्टिकल जो होता था पहले 15 नंबर का, तो उसको भी ऐड कर लिया, तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया। अब देखिए केमिस्ट्री जो है ना, तो केमिस्ट्री का पेपर जो थ्योरेटिकल है इसमें आपको 70 नंबर का पेपर होता है और ये हमारा जो प्रैक्टिकल होता है ये 30 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये आप दोनों जान गए। आप देखते हैं इसमें आपको बता रहे हैं कि कितना कितना नंबर पासिंग लाना है। तो देखिए ध्यान से, क्लास यहाँ पर 10 वालों के लिए बता रहा हूं। तो आपको सबसे पहले हिंदी की मान लीजिए, यहाँ पर लिख रहा हूं हिंदी, फिर बताऊंगा 12th वालों की यहाँ पर, ठीक है। तो ये मान लीजिए हिंदी आपका 70 नंबर का थ्योरी है और यह हमारा जो प्रैक्टिकल वाला है, यह हमारा प्रैक्टिकल जो कि यहाँ पे हमारा 30 नंबर का है, ठीक है। तो 30 नंबर, तो 70 नंबर का ये हमारा थ्योरी है, प्रैक्टिकल 30 नंबर, तो पासिंग नंबर थ्योरी वाला यानी पेपर में कितना नंबर के हल कर देंगे तो पास हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 70 नंबर का है ना, तो इसमें से 70 नंबर में से 33% यानी कि 33% अगर ला लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे एक पेपर में। तो जैसे कि 70 का 33% निकाल लेते हैं, 33 × 70 और बट्टा में हमारा 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसल, और देखिए यहाँ पर 1 0 बचा है नीचे, तो भाग जाएगा तो ये 3.3 हो जाएगा और गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है। 70 के 21 हासिल 2 और 70 के 21 2 कितना हो जाएगा 23, यानी कि 23.1 हो गया, ठीक है। इतना यानी कि 23.1 इतना नंबर आपको केवल प्रैक्टिकल हिंदी के पेपर में लाना होगा। इसके बाद आप प्रैक्टिकल में देखते हैं, प्रैक्टिकल में कितना नंबर लाएंगे, तो इसका भी 33% यानी 30 नंबर का 33%, तो 33 × 30 और बटे में 100, यानी कि जो परसेंटेज निकल रहा है ना, 1 0 से 1 0 कैंसल, बचा कितना, 1 0 बचा है तो 0.3 यहाँ पर लग जाएगा, यानी 3.3 और गुणे कितना हो जाएगा 3। तो इसको भी देखेंगे तो यहाँ पर 3 × 9 और यहाँ पर देखिए 3 × 9 और एक, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल में पासिंग नंबर आपके सामने आ चुका है कितना, तो 9.9। तो यानी कि टोटल जोड़े तो एक सब्जेक्ट का हिंदी का 70 नंबर में से 23.1 और प्रैक्टिकल में 9.9, यानी दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना परसेंटेज बन रहा है, तो 23.1 और 9.9, इसको जोड़ लेते हैं, 9 × 10 = 10 यहाँ पे लग जाएगा, हासिल 1 बना, 9 × 3 = 12, एक हासिल या कितना हुआ यानी 13, ठीक है। और यहाँ पर 2 × 1 = 3 यानी कि 33 नंबर पासिंग मार्क आपका आ चुका है। यानी कि आपको एक सब्जेक्ट में 10 वालों को अगर हिंदी में 33 नंबर लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, यानी कि 33% भी कह सकते हैं इसको और 33 नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं 10 वाले कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर लाएंगे तो आप आसानी से पास कर जाएंगे, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं है ना, डाउट हो तो कमेंट कर देना। 12th वालों के लिए मैं भी बता देता हूँ उनको भी, तो ध्यान से देखिए, ये तो उनका हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का 100 नंबर का है, 100 नंबर का आप देखिए, 100 नंबर है ना, 100 नंबर में से आपको 33% निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 का 33% / 100, यानी कि कैंसल यानी 33 नंबर। सिंपल आपको मालूम चल गया कि बिना प्रैक्टिकल वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर आप 100 में से 33 नंबर भी ला लेते हैं, 33% का भी सकते हैं इसको, 33 नंबर भी कर सकते हैं, 33 नंबर अगर ला लेते हैं हिंदी में, इंग्लिश में भी 33 और मैथ में भी 33, तो 33 अगर हर एक सब्जेक्ट में विदाउट प्रैक्टिकल वाला में लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे उस सब्जेक्ट में। हिंदी में 33 ले लिए तो हिंदी में पास हो गए, इंग्लिश में 33 ले लिए तो पास हो गए, मैथ में 33 ला लिए तो पास हो गए, ठीक है। बट फिजिक्स का क्राइटेरिया कुछ अलग ही है, फिजिक्स 70 नंबर का, इसमें कितना पासिंग चाहिए, तो 70 का 33% निकालते हैं बट्टा में 100,
10 से 10 कैंसिल और 10 है ना, तो इसमें एक पॉइंट चला जाएगा, तो 7 × 3.3 यानी कि इसको मल्टीप्लाई सब करेंगे तो ये आ जाएगा 23.1। ठीक है, यह हमारा आ गया थ्योरी वाला यानी पेपर वाला चीज का परसेंटेज यानी कि नंबर 23.1। और प्रैक्टिकल कितने नंबर का है जी, 30 नंबर का, तो इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 का 33% इसका भी निकाल लेंगे, बट्टा में 100 से डिवाइड कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 3 × 3.33 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.9 आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप दोनों को जोड़ेंगे, यह हमारा थ्योरेटिकल यानी पेपर वाला चीज आया 23.1 और यह हमारा है प्रैक्टिकल वाला चीज, तो दोनों को जोड़ लेंगे 23.1 9.9। यहाँ पर देखिए 9 × 10 = 0 हासिल 1 × 3 = 12 यानी कि 33 टोटल आएगा। ठीक है ना गाइज, तो आपको भी क्लियर मालूम चल गया कि आपको भी हर एक सब्जेक्ट में 33% यानी कि 33 नंबर लाना होगा तब पास हो जाएंगे। अब कोई तो डाउट नहीं ना है, डाउट हो तो कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने आपके लिए एक स्टडी से रिलेटेड मोटिवेशनल चैनल खोला है, उस पर हर एक तरह के मोटिवेशनल, जिससे कि आपको किसी भी चीज को पढ़ने की आदत हो, किसी भी मतलब आपका मन नहीं लग रहा है तो पढ़ाई कैसे करें, उसमें मोटिवेशनल चीजें डालता रहता हूं, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, उसको जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, और उसमें कमेंट करके बताना कि सर मैंने कर लिया, तो मैं आपका रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।